रामेश्वरी चौक से पुलिस ने छापा मारकर वाइन शॉप के बाजू में अंग्रेजी शराब बेच रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक दुकान संचालक है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 23 नग विदेशी शराब की बोतलें जब्त की है। रविवार की शाम अजनी पुलिस ने कार्यवाही की। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इसकी जानकारी मनपा और आबकारी विभाग को दी गई। मनपा ने वाइन शॉप को सील कर दिया है। पुलिस के अनुसार रमना मारुति नगर निवासी आरोपी विजय जायसवाल और वसंत नगर निवासी रमेश चतुर्वेदी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रामेश्वरी चौक में किशन लाल वाइन शॉप के बाजू में धड़ल्ले से अंग्रेजी शराब बेची जा रही है। ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। कल दोपहर को हमको जानकारी मिली थी किशन लाल वाइन शॉप है रामेश्वरी चौक में, वहाँ पे वो वाइन शॉप के सामने से वाइन शॉप के कुछ आदमी लोगों को दारू बेच रहे हैं। अभी लॉकडाउन में सिर्फ ऑनलाइन पार्सल को परमिशन रहते हुए भी ऐसी जानकारी मिलने से हमने उस जगह के जाकर अपने रेड किया है, और रेड करने के बाद हमें वहाँ पे किशनलाल वाइन शॉप के विजय जवाहरलाल जायसवाल और रमेश राम शिरोमन चतुर्वेदी ऐसे दो लोग मिले हैं। उनके पास से हमने 23 बॉटल वाइन की हमने जब्त की है, और उन पर हमने प्रोविजन एक्ट के अनुसार कार्रवाई की है, और NMC के मार्फत उनके वाइन शॉप को हमने सील भी कराया है। वैसे हमने राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के द्वारा भी उनके ऊपर में कार्रवाई की है। पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर छापा मारा और दोनों आरोपियों को दबोच लिया। तलाशी में उनके पास दो बैगों में विदेशी शराब की 23 बोतलें मिली है। शराब की कुल कीमत 4,500 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब किशनलाल वाइन शॉप से बिक्री के लिए दी गई थी। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।